ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? रात को ना इतना तेज तूफान और तूफानी बारिश आई है, सारे सुपर किंग का कपड़ा उठा गया है और ये हालत देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों रात को इतनी तेज बारिश और तूफान था, इसी वजह से हमारे सारे सुपर केज का ऊपर से कपड़ा उठ के ये देखो ये कहाँ गिर गया नीचे। दोस्तों मैं तो कहता हूँ अपने सब पैरट की जगह चेंज कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि जब ऊपर पर्दा लग जाएगा ना फुल, तो फिर इनको इधर लेके आएंगे। मुझे तो थोड़े थोड़े ना ये देखो बीमार भी नजर आ रहे हैं। ये देखो जो पेट हाउस में हमारे पास छोटा केज पड़ा है वो ले आते हैं, सारों को उसके अंदर डाल देते हैं फिलहाल। मिनी जू में जो हमने पर्दा लगवाना था ना, उन अंकल ने आज जाना था लगाने, लेकिन आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो उन्होंने फोन किया हम आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। पहले वाली डाइट इनकी ना बारिश की वजह से गीली हो गई थी, और ये मैंने इनको फ्रेश डाइट रख रहा हूँ। वैसे मुझे लग रहा है हमारे गोलू मोलू भी, ये देखो ये गोलू बीमार लग रहा है मुझे। अब से हमारे पैरट्स मिनी जू में आए ना, इनको खाता मैं पहली दफा देख रहा हूँ, मेरे सामने कभी खाते ही नहीं है। चलो ये भी आ गया पानी। ओहो डर गए, सब डर गए, सब डर गए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक्वेरियम के ऊपर ये देखो बारिश के तिनके। वैसे तो मौसम बड़ा मस्त है, पड़ा पेट्स के हिसाब से सही नहीं है, बीमार हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये इधर, ये देखो सारे खड़े हैं। ओए पेट हाउस का भी वही हाल हुआ पड़ा जो मिनी जू का था, सारा कुछ धर्म भरम। रात को इतनी तेज आंधी आई है क्या मैं बताऊँ आपको। और भाई रैबिट्स के लिए भी कुछ छोड़ देना। मैंने समझा रैबिट्स अभी तक अंदर हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है, वो पहले नीचे आए बैठे हैं वो देखो। ये घास ना खाएं ऐसे हो ही नहीं सकता यार। एक मिनट छोड़ो, बबलू पीछे हो जाओ, बबलू पीछे हो जाओ। दोस्तों ये जगह सही नहीं है, इनकी वही पहले वाली जगह बहुत बेस्ट है। ये आ जाओ। और आज हमने ये वाला जो केज है ना ये खाली कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर हम पैरट्स दोबारा रखने वाले हैं जब तक मिनी जू का पर्दा नहीं बन जाता। चलो भाई तुम्हारा घर ख़त्म, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। ओहो तुम्हें किसने नहीं खोला असील बच्चे। पेट हाउस की हालत तो दोस्तों बार बार ख़राब हो जाती है, मुझे रोज़ सफाई करनी पड़ती है। ये देखो कितना गंदा है, बड़ा कितना गंदा है। और चलो मैं सफाई कर लूँ और फिर मिलते हैं। ओ भाई इनके काम देख लो आप, रैबिट हाउस का ना जो ये ऊपर केज है इस तरह करके, और ये देखो ये ऊपर चढ़े बैठे हैं। दोस्तों मैं सफाई कर रहा हूँ और देखो मिनी फौज को बाहर निकलने की कितनी जल्दी है। सफाई करने के बाद ही इनको मैं बाहर निकालूंगा, अभी खाली इस प्लाट की हुई है, इधर भी रह गई है और इधर भी रह गई है। हमारे कबूतर बहुत प्यासे हैं। ओहो माशाल्लाह दूसरा अंडा भी आ गया है, ये तो मैंने अभी अभी देखा है, मैं इनको पानी रख रहा था। क्या बात है, अंडे भी बड़े बड़े हैं, कासित के अंडे हैं ना। पानी के अंदर मैं इनके लिए ना ये वाली दवाई ले आऊँ, ये मिलानी है, क्योंकि आज मौसम चेंज हुआ है, मुझे ना अपने कुछ पेट्स ढीले ढीले नज़र आ रहे हैं, मतलब ये थोड़े बीमार नज़र आ रहे हैं, तो इनको ये डाल के ये सारों को पिला देता हूँ मैं। राजा रानी इधर गए खड़े, इनके लिए मैंने पानी बनाया है, तो इनको मुझे ना इधर लेके आना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है रानी अंडा देने के लिए बैठी है इस जगह पे। अब मिनी फौज को बाहर निकाल देते हैं, इनको दोबारा जल्दी मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि बारिश दोबारा स्टार्ट हो रही है। चलो निकाल ही देता हूँ इनको, क्योंकि कब से मुझे बोल रहे हैं निकालो निकालो निकालो। चलो बाहर आ जाओ, शाबाश। यार ये मुर्गा ना बादशाह को नहीं खाने देता, जहाँ भी बादशाह खाने आए ये आगे आ जाता है। दोस्तों सब पेट्स ने बताऊँ क्या किया है, घास के ऊपर से सारे पत्ते खा के, और ये देखो ये नीचे से टहनियाँ बचा दी हैं। यार आप इनके काम देखो, वो मिनी फौज कहाँ पहुँच जाती है, सॉरी मिनी फौज, उधर इधर इधर इस जगह पे तो खड़ते नहीं है ना, केज के अंदर ना उधर, सारे के सारे उधर पहुँच जाते हैं। आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारों को ले आओ। वो देखो उनके काम देखो, वो बिल्ली वाली जगह बड़ी, एक दो तो यहीं से बिल्ली ने गायब कर दिए। मेरा भाई सफाई में लगा पड़ा है, इस जगह सफाई करना बहुत हार्ड है बड़ा। ये देखो देखो, क्योंकि दरख्त के जो तिनके गिरते हैं ना ये वो हैं बड़े, बहुत मुश्किल सफाई होती है। उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, अब इनको पता लग गया उधर डाइट आई पड़ी, अब उधर भाग रहे हैं। बादशाह और मिनी फौज की ना दोस्ती लग गई है, ये देखो। वैसे मिनी फौज से कोई दोस्ती नहीं करता, इन छोटे छोटों को कोई खाने नहीं देता, लेकिन बादशाह ऐसा नहीं है, बादशाह आराम से इनके साथ खाता भी है। देख यार मैं इसकी तारीफ कर रहा था, उसने ठुंगा मार दिया मिनी फौज के सिपाही को। हट बादशाह, मैं आपकी तारीफ कर रहा था, लूट लो मज़े लूट लो, एक तो इतना अच्छा मौसम और दूसरा ये मिट्टी से नहाया जा रहा है। आ जा तू भी, आ जा जैक तू भी आ जा, तू क्या सोच रहा है, तू भी नहा ले, शाबाश, नीचे नीचे नीचे। ऐसे दोस्तों आज ना हीर रांझा को भी सर्दी लगी हुई है, वो देखो।
एक तो अंडे वाली जगह पे जाके बैठी है और दूसरी ऐसे सोई पड़ी है। ये सुबह से ऊपर दोनों गए बैठे थे, अभी ये नीचे उतरा है। वो उसका दिल नहीं है नीचे उतरने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, तू भी आ जा नीचे। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया क्या हो गया? ओ भाई बिल्ली, वो देखो। मैंने सोचा पेट शोर क्यों मचा रहे हैं, वो देखो शिकार करने ही बैठी है। इसको आज मैं पकड़ के ना रहा ना। आए सही इधर आए, वो देखो वो भागी जा रही है। ये चूजे के चक्रों में आई थी। मैंने मिनी फोर को पहले ही बंद कर दिया अंदर। दोस्तों रानी अंडा देने गई बैठी है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, ये घुस रही है अपनी जगह पे। वो देखो ये पता नहीं कहाँ घुस जाती है, नीचे जाके अंडा देती है। शुक्र है धूप निकली आई है। वैसे गर्मी से ज्यादा ना पेट्स को सर्दियों में बहुत नुकसान है। अभी धूप निकल रही है, दोबारा फ्रेश हो जाएंगे सारे। दोस्तों हमारी दो मुर्गियां एक ही जगह पे अंडा देने गई बैठी हैं। ये देखो। तो मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे देंगी, इतनी छोटी जगह है, क्या करूं मैं। मैं ऐसा करता हूँ, काली मुर्गी को ना इस केज में बंद करता हूँ, छोटी वाली को, नहीं तो ये दोनों में से एक भी नहीं दे सकेगी इधर। ये क्या भाई, मुर्गा मरता है। दोस्तों मैंने अपने भाई को बोला काली मुर्गी को बाहर निकाल, बबलू इसको पड़ गया। वैसे जिस चीज का मैं इंतजार था ना वो तो घड़ी आ गई है। उठा दो उठा दो। सफेद मुर्गी जैसे ही बाहर निकली है ना, मैंने कहा इनको देखो अंडा आ गया होगा, तो इन्होंने देखा तो आ ही गया था। एक अंडा रोजाना मिल रहा है सफेद मुर्गी का। ये अब दिन ब दिन इसके अंडे बड़े ही होते जा रहे हैं, पहले बहुत छोटे छोटे अंडे देती थी। मुझे उम्मीद थी हमारी ये वाली मुर्गी अंडा देगी, लेकिन इसने नहीं। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, इसने दे दिया है। हाँ इन दोनों को मैं केज में बंद करके थोड़े काम से गया था तो अब आया हूँ। किधर 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 ये पड़ा है। ओहो वो देखो, बस अब वही बात है, बड़ी अंडे पे अंडा तो आया जा रहा है, कुड़क कोई मुर्गी नहीं हो रही। सो हमारे कबूतरों के बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। बबलू और बबलू की दोनों वाइफ दाना खा रही थी और कालू रैबिट भी साथ खाने आ गया। ये देखो, वैसे कालू रैबिट को ना मुर्गियों से बड़ा प्यार है, ये मुर्गियों के साथ ज्यादा फिरता है और अपने दोस्तों के साथ कम फिरता है। और अब मैं आपको ना कबूतर के बच्चे दिखाता हूँ। ये देखो अभी ना कबूतर ना फीड करवा रहा है अपने बच्चों को खुद मुंह से, पहले इधर से आके खुद खा जाता है और उसके बाद अपने बच्चों को खिलाता है। चल भाई देखने दे देखने दे। ये देखो ओहो माशाल्लाह। हमारे कबूतरों को ना ये वाला केज बहुत पसंद आ गया, चिक हाउस। तो छोटा केज तो आप चला जाएगा, आपको पता है मिनी जू में हम इसको लेके जा रहे हैं, इनकी जगह इधर ही बना देते हैं। और मैं आपको गुड न्यूज दूं, इस वाली कबूतरी के भी अंडे आने वाले हैं। इसकी अच्छी सी जगह बना के ना इसको यही वाला हाउस दे देते हैं। दोस्तों ये वाला रैबिट ना बाहर भागा जा रहा था, मैं इसको अभी पकड़ के आया हूँ। मैंने आपको सुबह बोला था हम ये वाला केज मिनी जू में ले जाएंगे, तो बस अब टाइम आ गया इसको लेके जाने का। चलो चलो ले चलो ले चलो, जरा आप ही काम किया करो। फाइनली दोस्तों हमारा ये वाला केज आ गया मिनी जू में। और मैंने समद को बोला इसके लिए ना फिशेज आज जाके ले आते हैं। ये बोल रहा पता नहीं कौन सा पैरेट पसंद है इसको, पता नहीं ग्रीन पैरेट्स। हाँ। वो ले हमारे पास है भी नहीं ना, चलो वो लेने जाते हैं मंडी। यार ये जिद कर रहा है ग्रीन पैरेट लेते हैं ग्रीन पैरेट लेते हैं। तो वैसे मेरा मूड था फिशेज का। चलो अगर आप कहते हो अभी इसमें पानी भी भरना है, एक दिन वैसे चलाना है ना, सही है ना। तो आज वैसे फ्राइडे है, बड़ा बड़े बड़े ग्रीन पैरट्स आए हो। आ जाओ चलो चलो चलते हैं। तो फिर ग्रीन पैरट ही ले आते हैं आज। जब कुछ लेना हो तो तब नजर ही नहीं आता, वैसे जगह जगह खड़े होते हैं। हाँ। दोस्तों हमें ना पैरट्स पसंद आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाला, पहले केज लेते हैं तो फिर इनको दिखाते हैं। तो ये तो समझ एक ले रहा था, मैंने कहा जोड़ा लेते। ओ भाई पेट मार्केट में इतना बड़ा कुत्ता, ये ना ले लें। ओ नहीं नहीं पागल है, पागल है, ये तो हमें कहा जाए। यार मुझे वैसे डॉग बड़े पसंद है, बड़ा खूबसूरत है यार, यकीन करो। कहता कुछ नहीं है, वैसे डरा रहा बंदों को। दोस्तों मार्केट से हमने जाली परचेस कर ली है और अब बारी आ गई अपने पैरेट्स लेने की, क्योंकि वो बंदा भी बाहर खड़ा होगा उसे उठाने। जल्दी चलो जल्दी चलो। हमें पैरेट्स पसंद आया ना, वो हैं बड़े ये वाले। तो एक मेल है और दूसरी फीमेल है,
तो अब इसको पकड़ के हम इसमें डालेंगे। पिंजरा लेना था वैसे, मैंने कहा इतना बड़ा सुपर केज है, पिंजरे की जरूरत नहीं है, जाली में ले चलते हैं, वहाँ छोड़ देंगे उसको। डालो आप, जाली भी मैंने ग्रीन कलर की लिया, मैंने कहा पैरट्स भी ग्रीन है। चलो 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 चलो, ओहो आ गए दोस्तों हम ग्रीन पैरट लेके। वो इतने छीते हैं ना ये मुझे ना अंदर से काटने की कोशिश कर रहे थे, ये देखो। वैसे अभी ठीक लग रहे हैं, सुबह बीमार लग रहे थे, अभी तो ठीक लग रहे हैं। यार एक तो इनको पता नहीं लगता, बीमार भी हो जाते हैं सही भी हो जाते हैं। नहीं अभी तो सही है यार, अभी सही है ना। देखो दोस्तों मैंने बोला समद को तू छोड़ दे इनको अंदर, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है, सुई की तरह काटते हैं आपको पता है। मुझे पता है यार, देखो बाहर से काट रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इनको हैंड टेम हम कैसे करेंगे। चलो अभी छोड़ते हैं, देखते हैं शायद हो भी जाएंगे इनको, हैंड करते हैं ट्राई करेंगे। छोड़ो हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। वो निकल आए, वो निकल आए, निकल आए। दोस्तों समद कहता है मैं इसको पकड़ रहा हूँ और पकड़ के हैंड टेम करने की कोशिश करता हूँ, तो ख्याल करना उड़ी ना जाए इसके पर अभी। काट रहा है, खून निकाल दिया। ओ भाई खून निकाल दिया। ओ मैं कहता हूँ इनको छोड़ते भी नहीं है अंदर सुपर केज में, ये तो उनको मार डालेंगे है ना वो बच्चे बिल्कुल। यार दोस्तों मेरा दिल था इस केज में ना हम अपने सारे बजरी तोतों को रखते हैं और लाटिनों को, लेकिन अब हम नहीं रखने वाले क्योंकि अभी मुझे सेहतमंद नजर आ रहे हैं, बीमार नजर नहीं आ रहे, इनको हम मेडिसिन भी दे देते हैं, तो इस केज में यही सही है पड़े। ये देखो ये भी हैं बहुत खूबसूरत, तो ऐसा करते हैं मुझे लगता है इनको भूख लगी हुई है, जैसे इधर उधर भाग रहे हैं ना। ये देखो क्या हो गया, उंगली पे क्या हो गया यार, इसने काट लिया, ये देखो खून निकल आया। यार जो भी चीज हम ले आते हैं यार, मैं क्या पंगे करता हूँ यार, बार बार मुझे काटते है, पहले ही गले यहाँ मारा, अब ये आप उनको पकड़ने की कोशिश जो करते हो काम ही ऐसे हैं आपके। यार ये देखो हाँ। वैसे भी बहुत छीते हैं पड़े, ये पता नहीं क्यों छीते हो रहे हैं ये, इसी वजह से ना दोस्तों मैंने इनको सुपर केज में नहीं छोड़ा, ये और पैरट्स को मारे ना। गोलू मोलू तो शरीफ है, गोलू मोलू इतना कुछ नहीं कह लो, इतना तो मुझे ईगल से डर नहीं लगता था जितना इनसे लग रहा है। कालू रैबिट के सारे दोस्त उधर बैठे हैं लेकिन कालू रैबिट खुद बाहर बैठा है। दोस्तों जब भी बबली इस जगह पे जाके बैठती है ना वो उधर, मैं समझता हूँ ये कूड़क हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दोबारा बाहर आ जाती है, समझो फ्री में खुशी दे देती है लेकिन कूड़क नहीं होती। मिनी फौज के केज के आगे दोस्तों मैंने फिलहाल कपड़ा लगा दिया क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, और आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।